ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है तीन ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी मतलब अशांत, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म नहीं हो रही है, जिनके दशमलव प्रसार चलते रहेंगे निरंतरता में। और अनावर्ती यानी कि जो आवर्ती नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो के आवर्ती नहीं है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अरे यहां से देखो, ध्यान से देखो इसको, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये तो डेफिनेशन होती है अप्रिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर्स या फिर अप्रिमेय संख्याएं। अब देखो उसने जानबूझ के, बच्चों प्यारे बच्चों, उसने जानबूझ के कंफ्यूज करके करने के लिए क्या किया, उसने ऐसा नहीं लिखा कि तीन अप्रिमेय संख्याओं के उदाहरण दो, जानबूझ के उसने ऐसा नहीं लिखा। उसने क्या लिखा कि ऐसी तीन संख्या लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि अप्रिमेय, यानी कि दूसरी भाषा में इसको समझे तो इसने कहा कि तीन अप्रिमेय संख्याओं के उदाहरण दो। तो बिल्कुल आसान सी बात, इसका हल तो बहुत छोटा होगा, क्या बनेगा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5, वर्गमूल 4 नहीं लेंगे क्योंकि वर्गमूल 4 से तो 2 मिलेगा, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 ले लो, एक बटा वर्गमूल 3 ले लिया, एक वर्गमूल 10 ले लिया, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0.10100100140 एंड सो, एक तो ये हो गया, इसी तरह से 0.20200200240 और इस तरह से 0.30300300 एंड सो। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको सिर्फ ये समझना है कि अप्रिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो लिख दी यहां पे उसने, तो आपको क्या करना है, बस तीन अप्रिमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं। ध्यान रहे यहां पे आप एक एग्जांपल, जैसे एक वर्गमूल 2 ले लो और बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हो, एक वर्गमूल 10 ले लिया, एक बटा वर्गमूल 10 और एक पाई, क्योंकि पाई भी कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अप्रिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो 5/7 और दूसरी है 9/11 इनके बीच की तीन अप्रिमेय संख्याएं हमें बतानी है। अप्रिमेय संख्याएं कौन सी, जो ना तो रिपीट हो और जो ना ही खत्म हो, अनवसानी अनावर्ती। अब पहले इनको दशमलव रूप में लिखते हैं, देखो इसको अगर हम दशमलव रूप में लिखें यहां पे 5/7 पे किया 0.779 1 7 1 7 3 7 4 28 2 7 2 14 6 7 8 56 4 7 5 35 5 और देखो 5 पे आगे फिर वापस, तो यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस जगह के बाद अगर हम लिखता हूं तो 7 7 49 यही आ जाएगा, तो यानी कि यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 0.714285 और फिर यही रिपीट हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं हम, ये है हमारे पास 9 और 11 जीरो पॉइंट लगा दिया, 11 8 88 2 11 1 11 9 0 11 8 88 2
ग्यारह एकम ग्यारह, वही शुरू हो गया, यहीं पे शुरू हो गया। देखो नो था तो यहाँ पे दोबारा नो आ गया था इस जगह पे, तो यहां से फिर शुरू हो गया था भैया हमारा, यानी कि ये है हमारे पास देखो 0.81 और इसके ऊपर हम 12 लगा देते हैं। और अब हमें इनके बीच की तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो इसको ध्यान से देखो, 0.714285, एक तो हमारे पास ये है और एक है 0.81 बार। अब इनके ना पहले पहले दो अक्षर ले लो, पहले पहले दो अंक ले लो। अब एक तो है 0.71 और जीरो, एक है 0.81। इनके हमने दशमलव के बाद बाद दो दो अंक ले लिए, इससे आपको सोचने में आसानी रहेगी। अब इसके बीच में अब देखो, एक तो हमारे पास आ जाएगा 0.72। बहुत सारे अनेक आ जाएंगे, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। एक 0.73, एक 0.74। बुक के आंसर से ऐसा मत सोचना कि ये गलत हो गया है, तो ये बहुत सारे आंसर, अनेक आंसर हो सकते हैं इसके। अब देखो मैंने इनके बीच के लिए तीन ये ले लिए, तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो इसको इनको, लेकिन बताने क्या है अपरिमेय संख्या, तो इनको अपरिमेय संख्या बनाने के लिए मैंने क्या किया, जीरो लगा दिया, 720 72 00 72 000 72 40 and so on चलता रहा। यहां पे 730 73 00 73 000 73 40 और ये भी चलता रहा। यहां पे 740 74 00 74 000 74 40 and so on ये चलता रहा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आंसर है पीछे बुक में इस तरह से नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो हमने सबसे आसान तीन आंसर लिख दिए। और भी लिखना चाहो 0.75 0.760 0.81 तक है, तो एक ये लिख सकते हो 0.80 8 00 8 000 8 40 0, इस तरह से तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने बिल्कुल सिंपल से जो तीन आंसर है जो हमारे पास सबसे पहले आए, तो वही हमने इसके अंदर लिख दिए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास के ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से हमें ये बताना कि कौन सी तो परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो हमने बेसिक में भी इसके बारे में क्लियर किया था, तो परिमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार है वो तो क्या होगा, या तो शांत होगा, जो परिमेय संख्या होगी उसमें दशमलव प्रसार परिमेय, परिमेय संख्याओं में जो दशमलव प्रसार है या तो वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर वो अशांत हुआ यानी कि अनवसानी हुआ तो फिर कैसा होगा, वो आवर्ती होगा यानी कि बार बार आएगा। और अपरिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं के केस में क्या होता है, अनवसानी और अनावर्ती, अशांत होता है और बार बार भी नहीं आता, चलता भी रहता है और बार बार रिपीट भी नहीं होता। तो ये जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती है ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है, बस ये पूर्ण उसके जो अंदर वर्गमूल के जो अंदर संख्या लिखी हुई है वो पूर्ण वर्ग संख्या ना, यानी कि पूरा पूरा ना कटे वर्ग, वर्गमूल उसको उसको वर्ग के रूप में लिखने पर। अब देखो तो वर्गमूल 23 को तो जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, तो यहां तो ऐसी संभावना नहीं है, तो यानी कि एक ऐसी संख्या हुई अपरिमेय संख्या। 225, अब देखो 15 का वर्ग 225 होता है, यानी कि 225 का वर्गमूल, इसको हम लिख देंगे
15 का वर्ग, तो वर्ग के साथ वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये क्या चीज है, इसका मान कितना है 15। लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ये देखो दशमलव रूप में जब इसको लिखा तो कुछ अंकों के बाद रुक गया ये, यानी कि ये शांत है, शांत है, यानी कि शांत किसका होता है, परिमेय संख्याओं का, यानी कि क्या है ये परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से 7.478478 इस तरह चल रहा है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है ये कि 7.478 इसी तरह से चलेगा, तो बार बार यही आ रहा है, तो अशांत है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आवर्ती तो है, रिपीट तो हो रहा है, तो रिपीट होने की वजह से कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद यहां पे है 1.10, 1.00, 1000, 1400, 1 इस तरह से चल रहा है। अब देखो पहली तो बात अशांत है, अनवसानी है, दूसरी बात रिपीट नहीं हो रहा, बदल रहा है, अनावर्ती है, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट में कि ये अपरिमेय संख्या, तो ये हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपको सलाह है कि इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।